कश्ती अभी चल गई है, आप उधर सिंध का व्यू करेंगे। सिंध के किनारे फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच चुके हैं हम। त्रै सिंह की सैर हो चुकी है। अभी आपके साथ दरिया किनारे का बहुत ही खूबसूरत सा जो है व्यू आपके साथ शेयर किया है। हम यहाँ से जा रहे हैं आगे थोड़ा सा आगे, वहाँ पे जो है वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पे इंजॉय करेंगे और वो सारी की सारी वीडियो और वहाँ की चीज़ें जो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आपके साथ कालाबाग का 100 साल पुराना पुल जो है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, अब मैंने कहा कि थोड़ा सा नहा लें, स्विमिंग पूल है तो अब थोड़ा सा नहा के आपको पानी चेक कराते हैं। और स्विमिंग पूल को भी आप एंजॉय किया होगा। इस वक्त हम मौजूद है कालाबाग के एक बहुत ही पुराने पुल के ऊपर और आप और ये पुल आप देख सकते हैं। इस पुल की तारीख है कि कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये पुल है। सारे का सारा आप देख सकते हैं दरिया सिंध है, इसीलिए यहाँ पे कालाबाग डैम के बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती तौर पे कालाबाग डैम बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पहाड़ी है और पीछे से दरिया आ रहा है, जिसकी वजह से ये कुदरती तौर पर एक बना बनाया डैम है। और आप ये देख सकते हैं जी, ये इसके ऊपर इसकी डेट लिखी हुई है 1928 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इससे खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आलमोस्ट तकरीबन 100 साल कंप्लीट होने वाली है इस पुल को, किन कंडीशन में है। और आप इधर भी दरिया सिंध का सारा व्यू देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं सारा व्यू। आगे चलते हैं इंशाल्लाह और मज़ीद आपके साथ जो है वो यहाँ की खूबसूरती शेयर करते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको हमने दिखाया था दरिया किनारे और वहाँ पे माहौल आपके साथ शेयर किया था, और आज ये वीडियो उसके साथ साथ कालाबाग का पुल भी आपके साथ शेयर हो सकता है, आपको अच्छा लग रहा होगा। Thank you.
काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और थकने के बाद आखिरी काम ये होता है कि खाना खाएं। मैं मलंगी होटल, अरे वाह, ये क्या है जी? वाह भाई वाह, कलेजी यहाँ पे पक रही है जी। देखते हैं जी, ये तो खा के पता चलेगा कि उनका खाना कितना अच्छा है। खाने के बाद बताएंगे क्या लिखा है जी। रश आप देख सकते हैं, वैसे रश काफी ज्यादा है। ये इसमें नमक है, मिर्च है। अच्छा, और बाबू वाला सालन, बस यही हमारा। ये कलेजी कौन से चीज़ की है? बड़ी कलेजी। अच्छा, बड़े जानवर की, गाय की है? अच्छा, ठीक ठीक गाय की नहीं, भैंस वगैरह। अच्छा, भैंस वगैरह की। अच्छा, कालाबाग की एक बात मशहूर है कि यहाँ के लोग जो है ना, वो भैंस का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। अब इसमें क्या लॉजिक है हमें नहीं पता। मियाँ वाली की अगर बात की जाए तो मियाँ वाली के जो हमारे एरिया है, मियाँ वाली सिटी हो गया और दूसरे, वहाँ पे गाय का गोश्त ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन कालाबाग की ये बात है कि यहाँ पे लोग भैंस का। अच्छा, कट्टा 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 नहीं, अच्छा बच्चा बच्चा और भैंस ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादातर बच्चा। अच्छा बच्चा, बैल वगैरह। अच्छा, वैसे ठीक। खाना आ चुका है जी। ये कबाब वाला है, रोगनी नान है, ये रोगनी नान है, रोगनी नान। और साथ ये कलेजी है और साथ ये चटनी है जी। जी, और हमने खाना शाना खा लिया है। आप वकास खान जो है वो बिल अदा करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वापसी का सफ़र करेंगे। वकास खान की जेब में एक रुपया भी नहीं है। अच्छा, वो क्या हुआ? हालात ख़राब है बस। अच्छा, वकास खान कहते हैं जी हालात ख़राब है, अभी बिल पे करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वापसी का सफ़र करते हैं। नहीं, माशाल्लाह वकास खान की 40,000 रुपये है, 70-80,000 रुपये घर हम कमा लेते हैं, अभी भी इनके हालात ख़राब है। यार देख लें आप इनकी मंत्र जी, और लाइक भी कर दीजिएगा और फॉलो भी कर दीजिएगा। हमारा क्या बैठा हुआ है जी। जी, इस होटल की मुझे एक बात अच्छी लगी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गरीबों मस्कीनों मलंगों के लिए रोटी फ्री है। जब से वकास जी पड़ा है ये बहुत खुश बैठा है जी। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो करंटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।